हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवव्रत अग्रवाल और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बोर्नियो के कुछ खास फीचर्स जो कि अपडेट हुए हैं बहुत ही रिसेंटली टाइम पे। और अगर आपको नहीं पता है और अभी तक आपने बोर्नियो नहीं लिया तो ये गलती मत करो, बोर्नियो ले लो। और क्योंकि मेरे तो हर एक स्टूडेंट बोर्नियो लेकर बैठा हुआ है और सच बताऊँ कॉमनेट प्रो भी बहुत बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो हार्डवेयर सोल्यूशन बोर्नियो दे रहा है और जो डेली के अपडेट, जबरदस्त अपडेट, सल्यूट करता हूँ बोर्नियो के क्रिएटर मिस्टर रिजाल को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतना उनकी जो टीम में इतना अच्छा काम कर रहा है, बहुत एक बेहतरीन उनके वर्क जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं वो कमाल के हैं बोर्नियो के। अगर आपको नहीं पता बोर्नियो अभी तक क्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भैया आपको अब मोबाइल बनाना बहुत हो गया आसान और मज़ा भी आता है पढ़ाने में, क्योंकि बोर्नियो के साथ में जो लाइनिंग समझाने का जो मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है। बहुत सारे 90% इंस्टीट्यूट आज के डेट में बोर्नियो से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि कौन से सप्लाई के सप्लाई में जा रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने आप स्क्रीन पे खोल कर रखा हुआ है बोर्नियो, जो कि एक नए वर्जन पे आपने देखा होगा कि बोर्नियो सबसे पहले इंडिया में मैंने ही लॉन्च किया था एक बड़े चैनल के तौर पे। अगर मैं बात करूं यहां पर ये एक लोगो उन्होंने डाला हुआ, बोर्नियो फ्लैशर, और उसके साथ में लिखा हुआ है नॉट जस्ट अ स्कीमेटिक, इट्स अ हार्डवेयर सॉल्यूशन। सो दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगी यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप इसको डेमो के रूप में लेना चाहते हैं तो आप इसको डेमो में भी ले सकते हैं, ये कैसे डेमो में लेना है तो ये मैं नीचे डाल दूंगा पासवर्ड और आईडी के साथ। तो चलिए, रजिस्टर की सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो मेरा वीडियो का लिंक नीचे डाला हुआ है, आप जाके उसको पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉगिंग की, अब मैंने लॉगिंग कर लिया है, ये चलता है ऑनलाइन के साथ, तो अब इसमें इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बाय बोर्नियो फ्लैशर जो कि वर्जन है 2.0 जो कि लेटेस्ट अपडेट होता जा रहा है। इससे पहले 1.5 आया था, इससे पहले और 1.0 चल रहा था, और 1.5 के साथ में 2.0 यहां पर आ चुका है। और इन्होंने अपने लोगों को भी बहुत हद तक यहां पर चेंज किया है, ऊपर बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन में लाइट डाल दिया, ऐसा लग रहा है चंद्रमा जैसे चमकता है। और उसके साथ में तीन चीज आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पहले मिलता था कि हार्डवेयर सॉल्यूशन उसके साथ मिलता था आपको स्कीमेटिक, अभी आपको देखने को मिला बिट मैप। बिट मैप क्या होता है भैया? मेरे बिट मैप होता है एक टिप से दूसरे टिप तक कंटिन्यूटी, जैसे अभी हम कनेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर से चेक करते हैं कंटिन्यूटी मोड पर, भाई यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है, तो बता देता है इंटरनल लाइन कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है। उसके साथ में हार्डवेयर सॉल्यूशन तो कमाल की चीज है जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ तीसरी चीज आपको मिलेगी स्कीमेटिक। आए हाय, इतने सारे स्कीमेटिक जो कि आपको शायद ही किसी दूसरे टूल में देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है, हर कोई एक अच्छा और बेस्ट करके दिखा रहा है। तो चलिए पहली बात करते हैं यहाँ पर बिट मैप की, और बिट मैप आप देखेंगे हुआवे, आईपैड, आईफोन, मेजू, वन प्लस, ओप्पो और पता नहीं क्या क्या। तो अगर मैं बात करूँ वीवो के कितने सारे मॉडल हैं, S1 Pro अरे S1 Pro का बिट मैप इन्होंने डाला हुआ है। तो सो मुझे तो लगता है कि यार ये कमाल की चीज़ है, बोर्नियो लेना बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लोग ये ओपन करने के बाद में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर उसको जूम कैसे करें, जूम आउट, जूमिंग कैसे करें। तो भैया आप अपने माउस को लीजिए और कुछ नहीं करना, माउस को आपने सिर्फ आपका ये जो राइट क्लिक का जो राइट का आपका जो क्लिक है उसको दबाए रखिए और माउस को आगे ले जाइए और माउस को पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए। तो ये बहुत कमाल है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से बता रहा हूँ, माउस का जो राइट वाला जो क्लिक है, राइट क्लिक बोलते हैं उसको दबाए रखिए और माउस को आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए। जैसे भी मैं यहाँ पर ले गया हूँ, मैं गया हूँ बैटरी कनेक्टर पर, और अगर आपको उसको साइड करना है, आपको हैंड का यूज़ करना है तो आप लेफ्ट क्लिक का यूज़ कीजिए और उसको हिलाइए। तो वहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैटरी कनेक्टर पर, पी बैट की सप्लाई। सो अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टेस्टिंग पॉइंट के साथ, और ये कहाँ जा रहा है। तो भैया बैटरी कनेक्टर कहाँ जाता है भाई, कहाँ जाता है बताइए, चले नहीं बता पा रहे, अगर बता रहे हैं तो कमेंट करके बताइए भाई। बी बैट जाता है आपके DC to DC IC में, अब वो DC to DC IC कौन सी है, क्या क्या नंबर की लगी होगी, कैसे धुरें, आउटपुट कैसे किस कॉम्पोनेंट से होते हुए निकलेगा, तो सारी चीज़ें जानने के लिए भैया थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए अगर नहीं पता तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगे हुए इसके कॉम्पोनेंट, और जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इस आईसी के अंदर जा रही है DC to DC, और ये आपकी बेसिकली DC to DC IC है। क्या होता है DC to DC भाई, DC to DC क्या होता है भैया, आईसी का अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बी बैट आगे जाके क्या बन जाएगा, बाकी लाइनों को क्या सप्लाई मिलेगी, तो सारी चीज़ों को आपको जानना है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्लासेस।
सीपीयू यहाँ पर लगा हुआ मिला है 254, यहाँ पर आपको बीजे देखने को मिलेगा, उसके साथ एक और यहाँ पर आईसी देखने को मिलेगी। तो ये है मेन पावर और ये है सेकेंडरी पावर आपकी। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क के सेक्शन देखने को मिलेंगे, जो कि 4G का आपको नेटवर्क है और 2G का, और आपको यहाँ पर आपको आईसी देखने को मिलेगी जो कि कॉलकम का बोर्ड है, और यहाँ पर SDR यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, तो और यहाँ पर आपको वाईफाई आईसी, और यहाँ पर आपको जो आईसी देखने को मिलेगी ये देखिए वाईफाई आईसी यहाँ पर लगी हुई है, और उसके अलावा और छोटी छोटी आईसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइट आईसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और उसके अलावा बहुत सारी लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैंने बताया पैड टू पैड, भैया पैड टू पैड, ओहो क्या काम है, मज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन की। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ, मैं उस मॉडल को लेता हूँ जो आज तक इंडिया में कोई नहीं दे पाया, विदेश में भी बात करता हूँ, तो वीवो। क्या अपडेट आए हैं वीवो V11, V7, V9, V5 और वीवो V91, 93, 95 कॉलकम। ओ हो, LCD की बात करते हैं, कहां से क्या लाइन जा रही है। तो भैया मेरे, ये मेरा कनेक्टर है, इतनी सारी मेरी सप्लाई, ये मेरी सारी सप्लाई हैं LCD की। क्या क्या सप्लाई है, MIPI मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, डाटा इंटरफेस, इनपुट आउटपुट लेन, डाटा बस 3 नेगेटिव कनेक्शन के साथ, जो कि यहाँ से होते हुए ड्यूअल कॉइल के थ्रू एक सीरीज कनेक्शन बना रही है। आप यहाँ पे आपको रजिस्टर देखने को मिलेंगे, आमतौर पे यहाँ पर ड्यूअल कॉइल होते हैं, और उसके साथ ये पूरे के पूरे इन पैडों पर जा रहे हैं। अगर भैया एक पैड भी निकला या शॉर्ट हुआ तो ब्लू डिस्प्ले, अगर निकला तो ये आपका ब्लैंक डिस्प्ले दे देगा। तो ये सारी जानकारियां होना बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि TE क्या होता है, RST क्या होती है, VREG क्या होती है, कहां से आती है, VREG का मतलब क्या है, 1P8 का मतलब क्या है, VPH पावर क्या है, LCD VSP और LCD VSN क्या होती है। तो सारी चीजें नॉलेज जाना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। चार्जर का डाटा पढ़ते हैं इसी का, तो चार्जर का देखते हैं कि भाई इसमें चार्जिंग सप्लाई कौन सी है। तो भैया यहाँ पे PMI लगी हुई है चार्जिंग की सप्लाई, और उसके साथ में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक IC और लगी हुई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये बीबस की लाइन सबसे पहले चार्जिंग की, और ये आपका OBP IC यहाँ पर यूज़ की गई है। OBP IC से होते हुए ये बीबस आपका यहाँ से डायरेक्ट आपकी इस IC पर यहाँ पर आपको जा रहा है, और इसके बाद में फिर यहाँ से इस रजिस्टर से आउटपुट होते हुए आप देख सकते हैं ये डायोड यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से सीधा आपका बैटरी कनेक्टर पे ये चला जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे ये आपको ये मरून कलर की लाइन दिखाई देगी। तो कमाल की बात है भैया, मैं आपको सच बता दूँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस में वीवो का ये वाला डायग्राम भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये परचेस करना है तो आज एक मिनट भी मत अपना वेस्ट करो, अगर आप मोबाइल के रियल टेक्नीशियन हो और अगर आपको काम करना है का रियल तौर पे, तो ये परचेस कर लो, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इसके बात करूँ Xiaomi में भी आपको कितने सारे यहाँ पे दे के रखे हैं, Note 7 6 Pro और वी Samsung में तो दे के रखे हैं, Oppo में भी ये दे रहे हैं, और उसके बाद में स्कीमेटिक तो उनके साथ में लाजवाब है। लावा के भी इन्होंने काफ़ी डायग्राम यहाँ पे डाले हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने आईफोन के तो सभी यहाँ पर आपको मिल ही जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन फोकस के दे रहे हैं, ऐसे मॉडल भी आपको दे रहे हैं जो बेसिकली टेक्नो के मॉडल हो गए आपके, जो बेसिकली दुर्लभ हैं, बिल्कुल उन प्रजातियों जैसे जो लुप्त हो रही है। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बोर्नियो एसर टेलीकॉम रिकमेंड करता है, अपने हर स्टूडेंट को यही बोलता है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो पढ़ने तो पहले से परचेस करके रखो, और या आओ एक एक पॉइंट एंडलेस अगर आपको सिखा के नहीं भेजा है तो नाम बदल देंगे अपना। सो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा ढेर सारा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको और कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। उसके अलावा कमेंट कीजिए, आपके रिप्लाई आपको कमेंट पे मिलेंगे, और दूसरा इसके अलावा अगर आपको पढ़ने आना है तो नंबर पे कॉल कीजिए। आप बोलते होंगे सर कॉल लगाते हैं, लगता नहीं है, टाइमिंग पे कॉल कीजिए, बिजी जाता होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं है कि बहुत सारी मैडमें बिठा के रखी, तो इसलिए लिमिटेड सीट के साथ यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो आपका चांस भी आएगा, और आपको यहाँ पर हम बेस्ट देंगे
सबसे बड़ी बात इंडिया में एसर टेलीकॉम क्यों यहाँ पर हम आपको बेस्ट दे सकते हैं, क्यों सबसे अलग, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक बार की फीस नहीं ले रहे हैं, पढ़ाएंगे सबसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ाते हैं 12 घंटे, 8 से 8 बजे तक, ये भी नहीं कि 10 बजे बुला लिया, 1 घंटा 2 घंटे की आपको बीच में खाना खाने दे दिया, आधे घंटे का मात्र खाना खाने हम देते हैं, 8 बजे से 8 बजे तक हम आपको बुलाएंगे, हम आपको हॉस्टल में रहने नहीं देंगे। दूसरी बात, कंटिन्यूस क्लास चलती है, एक भी संडे छुट्टी नहीं, डेली की डेली हर दिन आपको, ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आपको छुट्टी लेके आप दिन में सो रहे हैं या अपना बेमतलब का काम कर रहे हैं, रात में भी आपकी क्लासेस चलती हैं, हर दिन आपको होमवर्क दिया जाता है, हर दिन रिवीजन होता है, और सुबह और शाम की जो टोटल क्लासेस होती है वो प्रैक्टिकल SMD की क्लासेस होती हैं, माइक्रो जंपिंग से लेके हर एक चीज ब्लैक पेस्टेड, सिर्फ एक बार नहीं निकाली, ये नहीं कि एक बार आए और सैमसंग की J2 की एक वाइट पेस्टेड निकाल दी और लोग सीख करना तो घर चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करते हैं हम, आपको पूरा ओप्पो वीवो का ब्लैक पेस्टेड निकाल के एक बार नहीं 10 बार निकलवा के आपको यहाँ पर भेजते हैं, और आपको कम से कम एक बार पावर IC नहीं, CPU नहीं, MMC नहीं, 10 बार आपको ये लगवा के भेजेंगे, ये मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से किंग बनवा के भेजेंगे, पर प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त करा देंगे कि ट्रेनिंग में जबरदस्त एक जुनून और एक मजा आ जाएगा। जब आप ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो अंदर एक आग, आपके अंदर एक आग पैदा होनी चाहिए कि हाँ मैं इतना सब सीख के जाऊंगा, और जब आप जिस दिन यहाँ से निकलेंगे तो आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन के उभरेंगे। मैं सच बताऊँ अपने मार्केट में हमें आग लगाना है, वैसे ही हमने देश में एक नई क्रांति लानी है और एक ऐसी लहर पैदा करनी है अपने और दूसरे, ताकि दूसरे को आप जब कभी भी दूसरा टेक्नीशियन आपको देखे तो उसको बोले यार भाई तेरे जैसा बनना है। तो दोस्तों ये वीडियो को पसंद आए तो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने WhatsApp ग्रुपों में, हर जगह, क्योंकि वीडियो से नॉलेज मिलेगा और नॉलेज बढ़ता है, हो सकता है कि कोई दूसरा भाई आपको बोल दे थैंक यू वेरी मच यार कहीं ना कहीं मुझे इस वीडियो से फायदा मिला है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने का। मैं देवदत्त अग्रवाल इसे टेलीकॉम की तरफ से अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक आपकी शुभकामना करता हूं, आपके अच्छे भविष्य के लिए और जो भी स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनके कैरियर के लिए, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?